नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग्स में। हम आपको लेके आए हैं आज बनारस के प्रसिद्ध घाट मणिकर्णिका घाट। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के सबसे पुराने घाटों में से एक है और हिंदू धर्म के पवित्र ग्रंथों के अनुसार इसे सभी घाटों में सर्वोच्च दर्जा प्राप्त है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का यह अंतिम संस्कार किया जाता है तो उसे तुरंत मोक्ष मिल जाता है। सिंधिया घाट और दशाश्वमेध घाट इसे दोनों तरफ से घेरते हैं। मणिकर्णिका घाट वाराणसी के अन्य सभी घाटों की तरह एक आकर्षक पौराणिक कहानी से घिरा हुआ है, जो यह भी बताता है कि इसका नाम कैसे पड़ा। काशी खंड के अनुसार इस कुंड को कभी चक्र पुष्करणी कुंड के नाम से जाना जाता था और इसका निर्माण भगवान विष्णु के चक्र द्वारा किया गया था। जब वह भगवान शिव के लिए तपस्या कर रहे थे तब ये इसका निर्माण हुआ था। एक अन्य किंवदंती का दावा है कि जब भगवान शिव और माँ पार्वती चक्र पुष्कंड को देख रहे थे तो माँ पार्वती के कान से एक मूल्यवान कुंडल कुंड में गिर गया था, जिससे इसे मणिकर्णिका नाम दिया गया। मत्स्य पुराण के अनुसार यह काशी के शीर्ष 5 घाटों में से एक है। बताया जाता है कि यह मरने वाले हर एक व्यक्ति के कान में भगवान शिव तारक मंत्र दोहराते थे। एक अन्य कथा में दावा किया गया है कि माता सती ने भगवान ब्रह्मा के पुत्रों में से एक राजा दक्ष प्रजापति द्वारा यज्ञ में भगवान शिव का अपमान करने की कोशिश के बाद अपने शरीर को आग पर रखकर खुद को बलिदान कर दिया था। बाद में भगवान शिव माता सती के शरीर को हिमालय की ओर ले गए। इस यात्रा के दौरान उनका शरीर धरती पर गिरने लगा। उसके बाद हर उस स्थान पर शक्तिपीठ की स्थापना की गई जहां उनके शरीर के अंग गिरे थे। इस कहानी में बताया गया है कि मणिकर्णिका घाट पर माता सती की बाली गिरी और उसी से यह नाम पड़ा। मणिकर्णिका घाट, जिसे लोकप्रिय रूप से महाशमशान के रूप में जाना जाता है, वाराणसी शहर से बहने वाली पवित्र गंगा नदी के लंबे खंड पर मौजूद मुख्य घाटों में से एक है। जबकि भारत में शमशान भूमि आम तौर पर परिधि पर या मानव बस्ती के क्षेत्र के बाहर होती है, काशी में यह बिल्कुल केंद्र में है। जिस प्रकार भारत को विश्व की नाभि कहा जाता है और काशी को भारत की नाभि कहा जाता है, उसी प्रकार मणिकर्णिका काशी की नाभि है। दक्षिणी छोर से घाट में प्रवेश करने पर दाह संस्कार में उपयोग की जाने वाली लकड़ी के विशाल ढेर मिलते हैं। आगे बढ़ने पर क्षेत्र में काम करने वाले डोम श्रमिकों और पुरोहितों के साथ दाह संस्कार का मंच सामने आता है। इस क्षेत्र को पार करके कोई भी इस घाट की मूल पहचान मणिकर्णिका कुंड तक पहुंच सकता है। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड का निर्माण स्वयं भगवान विष्णु ने उस समय किया था जब ग्रह पर जीवन अपनी प्रारंभिक अवस्था में था। आज मणिकर्णिका घाट प्रतिदिन 400 से अधिक दाह संस्कार कर रहा है। मणिकर्णिका घाट लाहौरी टोला में स्थित है। यह सड़क मार्ग द्वारा सभी रेलवे स्टेशनों, हवाई अड्डे और बस स्टैंड से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। मणिकर्णिका घाट तक पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका
घाटों से होकर पैदल जाना है, क्योंकि यह दशाश्वमेध घाट के बहुत करीब है। किसी भी घाट से मणिकर्णिका घाट तक नाव की सवारी की जा सकती है। तो दोस्तों, ये था मणिकर्णिका घाट के बारे में छोटी सी जानकारी देने का प्रयास। ऐसी जानकारी और वीडियो देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर लाइक करना न भूलें। जल्द ही एक नए ब्लॉग में नए स्थान में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।